हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट जॉब के बारे में। जी हाँ, अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, बीई किए हैं या फिर एनी ग्रेजुएट हैं आप, तो आपके लिए बेस्ट है। आप ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक नहीं पूरे 17 ऐसी प्राइवेट कंपनी के बारे में बताएंगे जो कि कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आपका सिलेक्शन लेगी। और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपको एड्रेस है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट है, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है और आपका सिलेक्शन होगा। और गारंटी है कि सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये कंपनी नहीं है, पूरे 17 कंपनी है। आपको अपनी इच्छा से जिस कंपनी में जाना चाहें आप जा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसमें आपको बताएंगे, इसमें 3 जगह इंटरव्यू होगा। अभी जो हम अभी फर्स्ट में बताएंगे इसमें 15 कंपनी है, जो सेकेंड में बताएंगे उसमें 1 कंपनी है, और जो थर्ड में बताएंगे उसमें भी 1 कंपनी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये कैंपस प्लेसमेंट जो है बिहार में भी है, यूपी में भी है, गुजरात में भी है, सारा चीज़ वीडियो में बताएंगे। देखिए, अभी जो हम फर्स्ट में बात करने वाले हैं, इसमें 15 कंपनी एक साथ आने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से कंपनी है। अब फर्स्ट में यहाँ पर दिया गया है JBM ऑटो लिमिटेड, फिर है कप्रो इंजीनियरिंग इंडियन लिमिटेड। यहाँ पर हम आपको फ़ोटो में ही दिखा सकते हैं, देखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर दिया गया है JBM ऑटो लिमिटेड, फर्स्ट में JBM ऑटो लिमिटेड, फिर है कप्रो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, फिर है पारिबल इंडस्ट्रीजन लिमिटेड, फिर रिचा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ऑटो लिमिटेड, फिर है हाइली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 6 नंबर में है गुनागर एडवर्टाइजिंग, फिर है 7 नंबर में लैंडवे इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 8 नंबर में जो कंपनी आने वाला है ये है CMS इंफ्रा सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। 9 नंबर में जो है वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड। और 10 नंबर में है मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और आगे देख लेते हैं, पूरे पर 15 कंपनी है। जो 11 नंबर में है वेलकेयर फैसिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 12 नंबर में है फुरुकावा मिंड्रा इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा। और जो 13 नंबर में श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस लखनऊ। 14 नंबर में जो है PG टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और जो 15 नंबर में है सर्विगो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये 15 कंपनी है जो कि एक ही स्थान पे आएगा। सारा चीज़ बताएंगे, क्या आपको लेके जाना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। ये कंपनी का नाम हो गया, जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पोजीशन जो है, इसमें बहुत सारा पोजीशन है, ऐसे तो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग 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 पोजीशन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे पोजीशन के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल पोजीशन है। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट का बात करें तो 1000 प्लस आपका पोस्ट है, तो सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। और क्वालिफिकेशन में आपका 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट, इतना अगर आप हैं आप ज़रूर होंगे। अगर पढ़े लिखे होंगे तो 10th पास तो ज़रूर होंगे, तो आप इसमें जॉब पा सकते हैं। फिर देख लेते हैं आगे एक्सपीरियंस में दिया गया, फ्रेशर एकदम फ्रेशर के लिए है। जॉब लोकेशन एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, हो सकता है कोई कंपनी हरियाणा का हो, कोई बिहार का हो, कोई उत्तर प्रदेश का हो, तो कंपनी के हिसाब से आपका जॉब लोकेशन होगा। आगे देख लेते हैं, सैलरी डिस्क्राइब नहीं किया गया है क्योंकि अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग सैलरी होता है, ठीक है। कैंपस इंटरव्यू का देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कैंपस इंटरव्यू 9 जनवरी 2023 को होगा, टाइमिंग 10 बजे सुबह में। और जो स्थान है वो गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ, ये एड्रेस है, इसी एड्रेस पे 9 तारीख 2023 को, 9 जनवरी 2023 को 10 बजे सुबह में कैंपस इंटरव्यू होगा। जो लोग इंटरेस्टेड है, 15 कंपनी आ रही है, आप लोग जाके जॉब ले सकते हैं। फिर इसमें हम आगे बात करने वाले एक और कंपनी के बारे में, वीडियो हम बने रहिएगा, हम अलग अलग वीडियो नहीं बनाएंगे, एक ही वीडियो में बना लेते हैं। देखिए इसका, ये जो इसके सेकेंड नंबर में जो बात करने वाले हैं, इसका जो कंपनी का नाम है राणे ग्रुप है, इसमें जो है वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन लेगा। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप डिप्लोमा पास हैं, तो इसके लिए एलिजिबल। इसमें देख लेते हैं कंपनी का नाम जो है राणे ग्रुप है, ये कंपनी का कुछ ब्यौरा है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। द राणे ग्रुप इज अ इंडियन इंडस्ट्रियल क्लोमनेट हेडक्वार्टर इन चेन्नई, बिगनिंग एज अ लीडर फॉर ऑटोमोबाइल ट्रक, ये कंपनी का ब्यौरा है। इसमें और आगे देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड है। कंपनी का वेबसाइट दिया गया है। पोजीशन जो होगा इसमें आपका ट्रेनिंग का पोजीशन होगा, और जॉब लोकेशन हैदराबाद का होगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट ईयर का आपका सैलरी हो 17,500 रुपये पर मंथ है, और सेकेंड ईयर का आपका 22,500 पर मंथ आपका सैलरी है, जो कि फ्रेशर के लिए बहुत काफ़ी है। इतना सैलरी मिलना फ्रेशर के लिए बहुत ही काफ़ी है स्टार्टिंग में। फिर देख लेते हैं क्वालिफिकेशन में से मांगे हैं डिप्लोमा,
अगर आप डिप्लोमा पास आउट हैं तो सिर्फ डिप्लोमा वाले के लिए कैंपस प्लेसमेंट है, अदर 10th 12th ITI ये सब के लिए नहीं है। देख सकते हैं डिप्लोमा अगर आप पास आउट हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इसमें दो ही ब्रांच एलिजिबिलिटी है, अगर आप डिप्लोमा पास है मैकेनिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल से तो आप एलिजिबल है। और साथ साथ आप 2021 और 2022 के पास आउट होने चाहिए, उससे पहले के अगर हैं तो आप इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, या फिर जो लोग 2023 में पास होने वाले हैं उनके लिए ये नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो लोग 21 और 22 में पास हुए हैं वही लोग इस यहाँ पे इंटरव्यू देने जा सकते हैं। एक्सपीरियंस भी इन्होंने फ्रेशर मांगा है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। यहाँ पे देख लेते इसका जो इंटरव्यू वेन्यू है, एड्रेस है, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक इसका इंटरव्यू चलेगा, टाइमिंग सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, और वेन्यू यहाँ पर दिया गया देख सकते हैं MS राणे मद्रास लिमिटेड लाइट मेटल कास्टिंग इंडिया प्लॉट नंबर 143 1A SB कॉरपोरेटिव सोसाइटी इंडस्ट्रियल ईस्टर्न IDA बलराम हैदराबाद, ये इसका लोकेशन है, इसी लोकेशन पे जाना पड़ेगा जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इस कंपनी में जाने के लिए। सैलरी काफ़ी अच्छा है, ये हो गया आपका सेकंड। अब फिर थर्ड में जो बताएंगे वो बिहार के हैं, जो लोग बिहार से होंगे ज़रूर से अप्लाई करिएगा, ज़रूर से जाइएगा, ज़रूर से इंटरव्यू दीजिएगा। चलिए अब थर्ड वाला का देखिए, यहाँ पर जो थर्ड में जो कंपनी है जिसका नाम है मैकलेड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कैंपस प्लेसमेंट 2023, फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई इसमें कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, वो लोग इंटरव्यू देकर जॉब ले सकते हैं। ट्रेनिंग का पोस्ट आपका होने वाला है, अगर आप लोग ITI पास हैं डिप्लोमा पास हैं तो ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें ITI और डिप्लोमा वाले के लिए ही कैंपस प्लेसमेंट है। ये कुछ कंपनी का ब्यौरा दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, कब कंपनी स्टार्ट हुआ, कब क्या हुआ, क्या काम होता है, सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा, हम बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें जो पोजीशन होने वाला आपका ट्रेनिंग का पोजीशन होने वाला है, और इसका जो जॉब लोकेशन का बात करें तो इसका जॉब लोकेशन सरिगाम विद्धि जो कि सिक्किम में है, और सैलरी डिस्क्राइब नहीं किया गया है, वो इंटरव्यू पर डिपेंड करता है, जैसा आपका इंटरव्यू वैसा आपका सैलरी बनेगा। क्वालिफिकेशन में ITI और डिप्लोमा मांगा गया, अगर आप ITI पास हैं या फिर डिप्लोमा पास हैं चाहे किसी भी ब्रांच से, इसमें ब्रांच मेंशन नहीं किया गया है, तो आप किसी भी ब्रांच से ITI डिप्लोमा पास हैं ज़रूर से जाइएगा, इंटरव्यू दीजिएगा। और आगे देख लेते हैं इसमें एक्सपीरियंस में इन्होंने फ्रेशर मांगा है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं यहाँ पे 10th या फिर 12th दोनों में से कोई एक का मार्कशीट लगेगा आपका, फिर ITI या फिर डिप्लोमा कोई एक का मार्कशीट लगेगा जो आप किए हों, फिर आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, और एक रिज्यूम लगेगा, इतना चीज़ आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। देख लेते हैं इंटरव्यू कैंपस डिटेल कहाँ है, 9 जनवरी 2023 को इंटरव्यू होगा, टाइमिंग सुबह 10 बजे से 2 बजे दोपहर तक, वेन्यू जो देख सकते हैं संदीप यूनिवर्सिटी कैंपस सिजोप मधुबनी बिहार, यानी कि मधुबनी जिला में संदीप यूनिवर्सिटी है, संदीप यूनिवर्सिटी कैंपस सिजोप, इसी स्थान पे आपका जो है इंटरव्यू होगा। तो बिहार के जो लोग हैं ज़रूर से जाइएगा, अदर स्टेट वाला अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो वो भी लोग जाइए, और इसमें आप लोग जॉब कर सकते हैं। ये हो गया 3। अब आगे देख लेते हैं चौथे नंबर पे जो आपका कैंपस प्लेसमेंट है, जिसके आप इंटरव्यू देकर जिसमें आप जॉब कर सकते हैं, उसका नाम है आइसिन ऑटोमोटिव लिमिटेड, जिसमें आपको अगर आप 12th पास हैं या ITI किए हैं या फिर पॉलिटेक्निक किए हैं जिसको हम लोग डिप्लोमा कहते हैं, अगर इनमें से तीनों में से अगर आप कोई किए हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं सारा चीज़, ये कंपनी का जो ब्यौरा है यहाँ पे देख सकते हैं, सारा चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइसिन ऑटोमेटिक हरियाणा प्राइवेट लिमिटेड इन कॉरपोरेटेड इन 22 दिसंबर 2011 से कंपनी चल रहा है। आगे देख लेते हैं इसमें कंपनी का वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का वेबसाइट दिया है। पोजीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे पोजीशन आपका ट्रेनिंग का होने वाला है, फिर आगे देख लेते हैं इसमें जॉब लोकेशन जो है हरियाणा, जहाँ एक जगह है रोहतक हरियाणा में जगह है, वहीं आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। सैलरी की बात करें तो ITI पास कैंडिडेट का सैलरी 10,300 पर मंथ होगा, डिप्लोमा अगर पास आउट है तो 13,300 पर मंथ, और अटेंडेंस अवार्ड आपको 500 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर मान के चलिए कि आपका मंथली 4 छुट्टी है, यानी कि 28 दिन में से 4 दिन निकाल दीजिए, तो 28 दिन नहीं मतलब 30 दिन मान के चलिए, एक मंथ में 30 दिन आप जॉब करते हैं जिसमें से आपका 4 छुट्टी है, यानी कि 26 दिन आपको रिक्वायर्ड होता है कंपनी में जॉब करने के लिए। तो अगर आप 26 दिन में 26 दिन अगर काम करते हैं तो आपको सैलरी के बाद प्लस में आपको 500 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है, ये होता है अटेंडेंस बोनस। फिर देख लेते हो क्वालिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया है ITI और डिप्लोमा, एनी ट्रेड, किसी भी ट्रेड से अगर आप ITI किए हैं या फिर किसी भी ट्रेड से आप डिप्लोमा किए हैं
तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हैं, आप जा सकते हैं। और ये जो है इंटरव्यू कहीं और नहीं, बिहार में ही है, तो ज़रूर से जाइएगा। और आगे देख लेते हैं, इसमें एक्सपीरियंस में फ्रेशर रिक्वायर्ड किया गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 26 साल, जिनका 18 से 26 साल एज है वही लोग इसमें जाएंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं, 10th या 12th दोनों में से कोई एक का मार्कशीट आपका लगेगा। फिर आपका देख लेते हैं ITI की हैं तो ITI के सर्टिफिकेट, या फिर डिप्लोमा के हैं तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगेगा। आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड, रिज्यूम और फोटो, ठीक है, इतना चीज़ लेके जाइएगा। और साथ में जीरोक्स दो दो तीन तीन चार चार करा के जाइएगा, ठीक है। फिर इंटरव्यू देख सकते हैं कहाँ पे होगा आपका, 8 जनवरी 2023 को आपका इंटरव्यू होगा। कहाँ होगा यहाँ पे देख सकते हैं, वेन्यू बाबा विश्वकर्मा ITI भंगरा डुमसरान सारण बिहार, यानी कि सारण जिला का नाम है जो कि बिहार में है, और बाबा विश्वकर्मा ITI भंगरा ये कॉलेज का नाम है, ITI कॉलेज है। इसी कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होगा, कंपनी आएगा, इस ICN ऑटोमेटिक कंपनी आएगा, आप लोग जाइए और जॉब पाइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको ही पता है इतना मेहनत से आपके लिए एक वीडियो में हम चार कंपनी, चार जगह, चार लोकेशन पे कैंपस प्लेसमेंट आ रहा है, चारों का अपडेट दे रहे हैं। तो इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर जहाँ मन करे तहाँ पर सेंड करिए, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ जॉब कर पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।